हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियन फॉर जॉब। इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CSIR NIO अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशिनियोग्राफी की तरफ से वैकेंसी निकल कर रही है उसके बारे में। इसमें जॉब के टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिल रही है जिसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले एलिजिबल्स हैं। अगर आपके पास या तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं और आपके लिए इसमें सीटें देखने को मिल रही है। या आपके पास डिग्री है जैसे BSc से किसी भी रिगार्डिंग अगर ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल्स है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप समझ पाइएगा आप किस किस सीटों के लिए एलिजिबल्स है। अगर आप एक से ज़्यादा सीटों को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, या कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। खास बात यह है कि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर आप एलिजिबल्स होते हैं तो आप इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर आपको पता ही है डेली बेसिस पर ऐसे जॉब्स अपडेट दिए जाते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, वो इस चैनल पर मिलते हैं। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर ऐसे जॉब्स अपडेट ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, ढूंढ सोचता हूँ कि आपको डिलीवर कर दूँ। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशिनियोग्राफी, जो NIO है, जो CSIR है। NIO है CSIR का ऑटोनोम है और CSIR सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें हम बात करें परमानेंट जॉब है, आप इसके लिए परमानेंट काम करेंगे। इसमें हम बात करते हैं जो 24 सीटें निकल कर आ रही है और 24 सीटें में 12 जनरल, 7 OBC, 2 SC और 1 ST और 2 EWS के लिए सीटें हैं। एज लिमिट की हम बात कर ले तो जनरल के लिए 28, OBC के लिए 31 और अर्थात एज रिलैक्सेशन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिल जाएगी। सैलरी की बात कर ले तो लेवल 6 की जॉब है और सैलरी 35 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी जो कि सैलरी है। चलिए हम एक करके सीट देख लेते हैं और आप वीडियो को देखिए लास्ट तक और समझ पाइएगा कि आपके लिए कितनी सीटें हैं, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें है जो कोड नंबर 501 है जिसमें आपको 4 सीटें देखने को मिल रही है। इसके लिए आपको BSc में लगेगा, आपके पास फिजिक्स या मैथ में BSc है लेकिन साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तब इसके लिए एलिजिबल्स है। तो आप लेकिन और कुछ नहीं मांगा, डिजायरेबल्स में मांगा है और कुछ एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा है, लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके पास फर्स्ट क्लास BSc विथ बी लाइब्रेरियन मांगेगी, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इसके लिए 1 सीटें मांगी गई है जो कि जनरल के लिए है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल्स में फर्स्ट क्लास अर्थात 60% मार्क्स के साथ और लेकिन इसके साथ आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। इसमें 2 सीटें देखने को मिल रही है, 1 जनरल और 1 SC के लिए। पोस्ट कोड है 503। 504 पोस्ट कोड की हम बात कर लेते हैं तो आपके पास अगर सिविल में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। इसमें 2 सीटें हैं, 1 जनरल और 1 OBC के लिए, लेकिन अगर आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। वही हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो आपके पास BSc है फर्स्ट क्लास, तो कोड है 505 जिसमें 3 सीटें हैं जनरल, OBC और SC, तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। जो कि बायोलॉजी पैरामीटर जैसे रिवर, लेक, माइनिंग, वाटर व वाटर हैंडलिंग ये सब के रिगार्डिंग आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। वही हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोड 506 है जिसमें 3 सीटें हैं, 1 जनरल, 1 EWS और 1 OBC। अगर आपके पास BSc है केमिकल केमिस्ट्री में तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वहीं हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो अगर आपके पास पोस्ट कोड है 507 और 3 सीटें हैं, 2 OBC और 1 जनरल, फर्स्ट क्लास BSc है जियोग्राफी जियोलॉजी में तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। इसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। फिर वहीं हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 508 कोड नंबर, इसमें 1 OBC जनरल के लिए सीटें निकल कर आ रही है और अगर आपके पास BSc है फर्स्ट क्लास जियोग्राफी में या आर्कियोलॉजी में तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो बेटर है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम फिर बात कर लेते हैं कोड 509 जिसमें 1 जनरल के लिए सीटें निकल कर आ रही है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं, लेकिन इसके साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस जरूरी है। वहीं हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके पास फिर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सीटें हैं 510। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं, साथ साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर हम बात कर लेते हैं फिर 511 जिसमें 3 सीटें हैं, 1 जनरल, 1 OBC और 1 ST। अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं और इसके साथ साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो बात कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अच्छी खासी आपको सीटें देखने को मिल जा रही है, 24 में से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो बात अब आती है इसको कैसे अप्लाई करना है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है आपका जुलाई में 15 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात आती है एक से ज़्यादा, आप एक से ज़्यादा सीटों पर अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक करके आप बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात कर लेते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटेन टेस्ट होगा। सबसे अलग है क्योंकि हर जगह पहले रिटेन होता है, पहले स्किल होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका रिटेन टेस्ट होगा और रिटेन टेस्ट पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। यह इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है और आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, दिया गया है। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पार्ट तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है इसका सिलेबस को और अप्लाई होगा। तो यही कुछ जानकारी थी, और हम नहीं सॉरी 17-7 तक अप्लाई करने, मैंने 15-5 बोल दिया, तो आप इसको 17-7 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी, और एक से ज़्यादा आप सीटों पर भी अप्लाई कर, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी और हम उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर कैसे डेली बेसिस पर जॉब अपडेट मिलते हैं, तो कहीं नहीं मिलते हैं, इस चैनल पर मिल ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।